एक बार फिर आम जनमानस पर प्याज की ऐसी मार पड़ी कि लोग प्याज का जायका भी भूलने पर मजबूर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर प्याज की कीमत आसमान छू रही है। यहां पहले 15 से 20 रुपए किलो प्याज बिक रही थी, वहीं अब कभी 70 तो कभी 80 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, जिससे कहीं ना कहीं खाने का जायका बढ़ाने वाली प्याज एक बार फिर आम आदमी को रुला रही है। प्याज के बढ़ते दाम आसमान छू रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है जानने के लिए हमारी लखीमपुर खीरी की टीम रियलिटी चेक करने के लिए सब्जी मंडी पहुंची। यहां बढ़ते प्याज के दामों को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यही नहीं, मंडी में क्विंटलों के हिसाब से प्याज खराब भी हो रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक दाव पेच भी होने शुरू हो गए हैं और राजनीतिक हंगामा करते भी दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। महंगाई के चलते हुए जो प्याज के रेट हैं, जो 10-15-20 रुपए किलो, 20 रुपए 25 रुपए किलो था, वो इस समय 80 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। किचन से प्याज की जगह जो है प्याज का यूज करना ही बंद हो गया। हर सब्जी में प्याज पड़ता है और उसके बिना जो है सब्जी वगैरह कुछ भी हो बनाओ वो स्वाद नहीं आता है। लेकिन महंगाई की वजह से बजट भी हम लोगों का गड़बड़ा गया है। जो प्याज हम लोग 25 रुपए वो एक किलो प्याज लाते दो दिन नहीं चलता है। आप इतना प्याज ले रहे हैं आखिर क्या कारण इतना प्याज, जबकि इतना महंगा है प्याज? हाँ, दरअसल बात यह है कि प्याज के रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और हो सकता है और आगे जो है 100-150, 200-250 में पहुँचा है, इसीलिए मैं लेके रख ले रहा हूँ ताकि जो है 2-3 महीने हमारा जो प्याज आराम से चल जाएगा। क्योंकि अभी तो जो है प्याज इतना महंगा है, सलाद में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और सब्जियों के तड़के भी जो है और दाल के तड़के भी लगाने में मुश्किल हो रही है। प्याज के दुकानदार खाली बैठने को मजबूर हैं। खाने का जायका बढ़ाने वाली प्याज एक बार फिर प्लेट से गायब हो चुकी है। प्याज के बढ़ते दामों की असल वजह क्या है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने कुछ व्यापारियों से बात की। उनका कहना है कि प्याज का दाम आज मंडी में 70-80 रुपए किलो है। बाढ़ में नष्ट हुई प्याज इसका मुख्य कारण मानी जा रही है, जिसकी वजह से लगातार प्याज महंगी होती नजर आ रही है। ये जो प्याज वगैरह बिक रहा है क्या रेट है? प्याज 70 रुपये किलो बिक रहा है। क्या कारण है? प्याज महंगी हो गई ना, इधर उधर प्याज आ नहीं रही, नहीं खत्म हो रही बहुत जल्दी। क्यों नहीं आ रही है? प्याज खराब बहुत हो रही ना, अभी कम आ रही है नासिक से भी। आप लोग इतना महंगा प्याज आ रहे हैं तो आपको कितने में पड़ता है? हमें 65 रुपये किलो पड़ता है, 70 बिक रहा है, उसमें खराब भी वो निकल जाता है। तो इसमें कस्टमर कैसे आ रहे हैं? कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, इसमें बिके ही नहीं रही प्याज इतनी महंगी। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश महाजन है। जो जैसे प्याज की दरें बढ़ी हैं, प्याज की दरें बढ़ने का मेन कारण ये है कि महाराष्ट्र में प्याज बाढ़ आने के कारण काफी मात्रा में प्याज सड़ गया है, जिससे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जिससे काफी मात्रा में प्याज सड़ जाने से प्याज की कीमतें काफी उछाल मार रही है, जिससे कि घर का बजट और दुकानदार जो फुटकर बेचने वाले हैं उनका भी अपना खुद का बजट काफी गड़बड़ा गया है और जिससे कि हम लोग काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये कब तक प्याज? ये लगभग हमारे हिसाब से 20 और 25 दिन के अंदर या लगभग 30 दिन के, एक महीने के, डेढ़ महीने के अंदर प्याज की कीमतें नीचे आ सकती है। लखीमपुर खीरी से दबंग न्यूज के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट।